क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना ना तो ये उसकी लड़की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी, अच्छा मैंने, मैं हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब भी होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब सालाना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके आगे की कहानी कोई नहीं बताता, इसके आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले क्वेश्चन आए, फिर कटेंस आए, फिर क्वेश्चन कटेंस से मैच नहीं किए तो और क्वेश्चन आए। साले मग इतने मेरे यार कि इन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आया। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो खरीद के नहीं आएंगे। पहले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी, और फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो ना काटे। सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो उस मोबाइल फोन ने की है। कहती घटिया इन्वेंशन है साली, ट्रस्ट मी, ऐसे पट्टा है साला पट्टा। ऊपर से इनकी एड भी सुनो, लो जी 1 पैसा पर सेकंड, और कॉल करो और कॉल करो। अबे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। और फिर इनका जवाब इन्हें भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं मेरे से करने के लिए? यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तुमने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछ। और तुझे मैं बता रहा हूँ उस साइड में वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियस निशान लगा सकता हूँ। वेर एवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडियन जा रहा आ गया? नहीं उसे पता था, वो तो बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ, वरना 10 सवाल पूछती। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत दो, फोन आ जाएगा। फोन मत उठा, 10 मिनट में SMS आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला कि ये आदमी लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये गे लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं कहता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज ऑल्सो अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता था कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं गुना ज्यादा है इस दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा, खाना नहीं खाई फिर भूखी सो जाएगी। अरे कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूं नौकरी छोड़ दूं? फिर साला घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इन सब के बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इन सब के बाद भी अगर आदमी कोने में जाके शांति से कहीं बैठा ना चुपचाप, तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूं, क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इन सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनी मोर। तुझे मैं बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन, दे कॉल इट अ डिस्कशन बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट तो बॉस उनके साथ जीत ही नहीं सकता। आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसी बेकार की चीज पर आर्ग्यूमेंट कैसे आ जाए। तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही, आज की बात पे आर्ग्यूमेंट होगा 2 महीने बाद। यहाँ साला याद भी नहीं होता 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने का, तुझे लग ही रहा होगा इस पॉइंट से तू खुद की बात की साबित कर लेगा। तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, तेरी नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर दी होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट फ्लश कम टू गटर, और मुद्दा ही रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल, किसने, साला साला वो बीच आर्ग्यूमेंट में जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर दी तो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत।
शादी में वो नागिन क्यों नहीं बचते हैं? क्यों बचती है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अब बता क्यों आई तू यहाँ पे? सेम चीज अगर मैं करूँ तो उसकी किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊ तो कहेगी तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया? यू वॉन्ट टू गेन हर सिंपथी? व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।